सर जी, बारिशों की वजह से मड़ौ में आज जो सर फ्लड आया है, सर आपने आप सपाट पे गए सर? जी अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि परसों रात में अचानक से क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उसकी वजह से काफ़ी तूफानी शक्ल में हमने देखा एक दो नालों को, और उसके बाद सुबह जब हमें मालूम हुआ कि फ्लड आया हुआ है, हौसनई नाला आया हुआ है, पैरड़ नाला, ये दो पंचायतों को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किए हैं ये दो नाले। तो जब मैं अपर चंजर गया वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज देखा। उसके बाद जब नवापच्ची की पंचायत में हम एंटर हुए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ट्रीज़ का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, उसके बाद मकानात का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, ज़मीन मतलब बहुत ज़्यादा उसका भी नुकसान हुआ। तो मैंने कल रात को डीसी साहब से बात की, उसके बाद मैंने एसडीएम मड़वा से भी बात की और तहसीलदार साहब से भी मैंने बात की, और उन्होंने पूरा एश्योर किया कि वो एक टीम भेजेंगे यहाँ पर, एसडीआरएफ रूल के तहत यहाँ पर वो मुआवजा जो है कंपनसेशन जो है वो किया जाएगा। और उसके अलावा अभी दो तीन दिन बारिश रहेगी और इस बारिश में लोगों को एहतियात करना चाहिए, और अगर रात में बारिश होती है तो कोशिश करनी होगी कि वो ख्याल रखें, अगर सोते हुए मतलब नींद में अगर इस तरह से कोई हादसा पेश आता है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक दो दिन बारिश और होनी है। अल्लाह करे कि हम इस फ्लड से बच जाएं, इन नालों के जो कहर से उससे बच जाएं, लेकिन अभी भी एहतियात हमें बरतना होगा। मैं खुद दोनों जगह पर गया, अपर चंजर भी कल सुबह ही में गया था और उसके बाद नवापच्ची का मैंने दौरा किया। इन दोनों पंचायत का जब मैंने दौरा किया नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सर ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है, चंजर में या नवापच्ची में? देखिए दोनों जगहों पर, लेकिन यहाँ नवापच्ची साइड जो है लैंड का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ग्राट बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो चुके हैं, यानी कि कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद एक कलवट भी यहाँ पर डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली, फसलें जो थी मतलब मक्की राजमा वगैरह वो सारी चीज़ें तबाह हो गई। सर लोगों का कहना है कि अगर पिछले मतलब 5-6 साल पहले भी यहाँ पर जो फ्लड आया था, जी जी जी, लेकिन हमें जो कॉम्पनसेशन मिली थी वो हमें फिर नहीं मिल पाई। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ भी लोगों ने, कई लोगों ने बात की कि कॉम्पनसेशन नहीं दी जाती है, फिर उसके बाद बात को भुलाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, फिर बड़ी लापरवाहियाँ सामने नजर आती हैं। लेकिन इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और खास करके मैंने आज पंचेज और सरपंचेज की मीटिंग भी बुलाई थी, मैंने चाहा था कि मैं उनसे बात करूं इस बारे में कि न सिर्फ नवापच्ची और चंजर में बल्कि कुछ दिन पहले हमें रनई इलाके से भी रिपोर्ट आई थी कि वहां पर भी बाढ़ आई थी, और इसी सिलसिले में मैंने आज पंचेज सरपंचेज को भी दावत दी थी कि हम एक जगह पर बैठें। इसमें सरपंचेज का अहम रोल रहेगा कि वो आइडेंटिफाई करें कि कितना डैमेज हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके अलावा भी मैंने इस वक्त देखा पंचायत में बहुत सारे लोग इस वक्त मतलब अपनी ज़मीनों का कह रहे हैं कि हमें इतना नुकसान हुआ। उसके लिए जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौके पर आएगा वो देखेंगे, तहसीलदार साहब देखेंगे, और तहसीलदार साहब से जब मेरी कल बात हुई उन्होंने टेंटेटिवली ऐसे ही उन्होंने कहा कि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन वो खुद मौके पर जायज़ा लेंगे आकर, और जो भी मामलात हैं जिस भी तरह की शिकायत लोगों की तरफ से आएंगी हम उनको हल जरूर कराने की कोशिश करेंगे। और डीसी साहब से कल मेरी बात हुई, उनको मैंने ऑलरेडी कह दिया। डीसी साहब ने क्या बोला? डीसी साहब ने कहा है कि उन्होंने एक टीम बनाई है, और टीम में खास करके उन्होंने एसडीएम साहब को डायरेक्ट किया है, एसएचओ मड़वा को डायरेक्ट किया है और तहसीलदार मड़वा को, लेकिन आज मैं मतलब फिर से उनसे बात करूंगा क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज भी हमें इन मसलों को देखना है। अगर फसलें तबाह हुई हैं तो एग्रीकल्चर उस पर नज़र रखे, अगर पेड़ पौधे तबाह हुए हैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसके लिए डायरेक्ट किया जाए कि वो कंपनसेट करे लोगों को, ये डिपार्टमेंट वाइज। हालांकि मुझे डी साहब ने ये भी कहा कि आप नेचर ऑफ जो डैमेज है वो आप मुझे बताएं कि अकॉर्डिंगली वो डिपार्टमेंट्स के साथ बात करेंगे, और उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ बात भी की होगी। यहाँ पर नेटवर्क उस तरह का नहीं है कि हम हर वक्त उनसे बात करें, लेकिन आज शाम जब मैं घर पहुंचूंगा मैं फिर से बात करूंगा। लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रीज है हमारे वॉलनट ट्रीज है उसमें हमारा गुजारा होता है, लेकिन नहीं, गरीब का गुजारा यहाँ पर मोर देन 85% पॉपुलेशन ऑफ मड़वा वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। आज एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल, यहाँ पर फसलों की बड़ी तबाही हुई है नवापच्ची में,
तो ये सारी चीजें, हालांकि वॉलनट्स, ये सच है कि गरीब इसी से गुजारा करता है मड़वा में, लेकिन अगर ट्रीज ही गिर गए, अगर वही तबाह हो गए, तो अब नुकसान तो बड़ा हुआ है। सर चेंजर में मकान भी डैमेज हुए हैं सर, दो मकान। जी जी, दो नहीं बल्कि पांच से छह मकान हमने देखा जिनकी बेस जो है कम्प्लीटली डैमेज है। और इन सब चीजों को जब टीम आएगी वो सारा नोट करेगी। फिलहाल एसडीपीओ साहब जब कल वहां पर मौके पर आए थे, उन्होंने भी मोटे मोटे तौर पे इसको दर्ज किया है। लेकिन टीम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एसडीएम साहब आएंगे वहां पर, एसएचओ साहब आएंगे, तो वो सारा कुछ देख लेंगे, ये सारे मामला वो खुद ही लिखेंगे फिर, और उस वक्त पीआरआईज का बहुत अहम रोल रहेगा इसमें। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।